हाय गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य चौधरी और सम्राट भाई के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी ने एक सपोर्ट किया है जो राम के नाम पर व्यूज ले रहे हैं। लक्ष्य चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, अगले 7 दिन देखने वाले होंगे कौन कौन सोशल मीडिया पर हिंदू राम जी को कैपिटलाइज करने वाला है। काफी न्यू टेम्पररी एंट्रीज होगी, काफी व्यूज आएंगे, काफी इमोशनल ड्रामे होंगे, काफी भक्ति बेची जाएगी, कुछ गिरती सोशल मीडिया एंगेजमेंट भगवान जी का सहारा लेने वाली है। जय श्री राम। तो इस ट्वीट को रीट्वीट कर सम्राट भाई ने लिखा, पैदल यात्रा करें अपन या किसी नेताजी को क्रेडिट दे देते हैं, अपने को भी वीवीआईपी पास मिल जाएगा, फिर मस्त रील, 2-3 व्लॉग्स, 1-2 वायरल ट्वीट्स, पैसा ही पैसा। तो फिर लक्ष्य चौधरी इसका जवाब देते हुए लिखते हैं, राम मंदिर से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर देंगे, लोग तो है, आश्चर्य की बात नहीं, जो लोग सच्चे भक्त हैं वो बेचारे घर रह जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स एंड कॉन्टेक्ट। बाकी नए नए सनातनियों को भी काफी मदद मिलेगी इससे। गाइस, वैसे ये बात सच भी है, बहुत सारे लोग बस व्यूज और फेम पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब बात चल रही है सम्राट भाई की, तो बिग बॉस की ये वाली क्लिप, एलवी यादव के फैन पेज ने इस क्लिप को अपलोड कर लिखा, हैशटैग मुनावर फारूकी, बाबरी मस्जिद इस तरह ही गिरी थी। तो सम्राट भाई ने रीट्वीट कर लिखा, 6 दिसंबर को आना चाहिए था ये पोस्ट। अब बात करते हैं मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे एंग्री है आईएएस ऑफिसर के ऊपर। तो मनोज दे ने ट्वीट कर लिखा, आजकल कुछ आईएएस ऑफिसर ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले भोले भाले लोगों को पकड़कर उनका चालान करने के बजाय हजारों के भीड़ में जलील करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इस चीज का उन्हें परमिशन किसने दिया? क्या आम जनता की कोई इज्जत नहीं होती और क्या करना लीगल है? तो इस पर एक ने कमेंट कर लिखा, बिल्कुल सही करते हैं, जब तक ऐसी बेइज्जती नहीं होगी लोग आदत से बाज नहीं आएंगे। अगर चालान करने से लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते तो आज तक ट्रैफिक रूल्स का इतना वैल्यूशन ही नहीं होता। वैसे आप मनोज दे की बात से सहमत हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को भी राम मंदिर का इन्विटेशन मिल चुका है, तो वो भी राम मंदिर जाएंगे। गाइस, अब बात करते हैं एक न्यूज के बारे में जो कि एमपी से है। तो गाइस, मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में एक कर्मचारी की 43 साल तक सहायक वर्ग 3 की नौकरी करता रहा। रिटायरमेंट का समय भी नजदीक आ गया था, उसको लगने लगा था कि अब रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी गुजरेगी, लेकिन एक शिकायत ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि शिकायत में इस बात का खुलासा हो गया कि 43 साल पहले जो मार्कशीट लगाकर नौकरी हासिल की गई थी वहां तो फर्जी है। यह पूरा मामला ग्वालियर नगर निगम के सहायक वर्ग 3 के कर्मचारी कैलाश कुशवाहा का है, जिन्होंने अपने भाई की मार्कशीट लगाकर नगर निगम में नौकरी हासिल कर ली और 43 साल तक ठाठ से नौकरी करते रहे, लेकिन एक शिकायत ने उनकी यह पोल खोल दी और अब कैलाश कुशवाहा के खिलाफ यूनिवर्सिटी थाने में FIR दर्ज की गई। तो गाइस, ये थी वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।